ठंडी के मौसम आ चुकी है और ठंडी के मौसम का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे कि कितने अच्छे टेस्टी खाना मिलते हैं। पर आज हमारे घर में बने हैं गाजर का हलवा। चलिए इसे बनाते हूँ और आप लोग के भी दिखाती हूँ, बताती हूँ और खुद खाने के लिए हम लोग तैयार हो चुके हैं। देखिए हमारे जो घर में आग जला दी है, चूल्हा भी चूल्हा के पास, और सब लोग बैठे हैं, इसलिए हमको आज थोड़ा कम ही काम करना पड़ा क्योंकि हेल्प करने के लिए सब बहुत तैयार हैं। क्योंकि गाजर के हलवा तो सबको पसंद है और आग इसलिए कि ठंडी के मौसम है। अगर यही गर्मी के मौसम रहता तो आज हमको कोई साथ नहीं देता कि चलो मैं हेल्प कर देते हैं। आज ठंडी के मौसम में जो है ना आपको हेल्प मिल सकता है क्योंकि उन लोग के आगे के पास बैठना जो है। चलिए मैं इन्हें दे रही हूँ गाजर कद्दूकस कर दे रहे हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि जितना जल्दी गाजर करके कद्दूकस करेंगे उतना जल्दी इन लोग के हलवा मिलेंगे, इसीलिए तैयार हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके घर में भी व्यवस्था है चूल्हा की, आग जला कर जो बनाते हैं लकड़ी के चूल्हा पर, तो आप इसी तरीके से अपने बच्चों लोग, अपने हस्बैंड जो भी बैठे हैं उस जगह से, उन लोग से आप हेल्प ले सकते हैं। आप खुद उन लोग हेल्प करेंगे क्योंकि आग पास बैठना जो है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, अरे हलवा भी कैसा लगा। ये जो बनाने का तरीका है ठंडे के मौसम में बहुत ही अच्छी है क्योंकि गर्मियों में तो हमें साथ कोई दे या ना दे, पर ठंडी के मौसम में तो साथ देने वाला घर का पड़ोसी भी आ जाते हैं आग तापने। अब मैं कद्दूकस उधर करवा चुकी हूँ उन लोग से और मैं इसमें घी डाल रही हूँ। हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, उसमें मैं 2 चम्मच घी डाल रही हूँ। कढ़ाई में मैं लेव लगाने चली गई थी जब उन लोग कद्दूकस कर रहे थे, और देखिए घी भी मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि इससे अगर लोग बैठे हैं उनको बैठने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, इसलिए इन्हीं लोग डाल दे रहे हैं। तब तक के लिए मैं जितना सामग्री है मैं ला रही हूँ बनाने के लिए। देखिए इसमें डाल देते हैं, डालने के बाद इसे धीमी आंच पर आप भूंजिए गाजर के। आप जितना धीमी आंच पर भूजिएगा गाजर के उतना टेस्टी आपका हलवा लगेगा। इस तरीके से आप बनाइए। और दो चीज़ से फ़ायदे होते हैं, फ़ायदे तो बहुत है आपको। गर्मी की ठंडी के मौसम है तो आप चूल्हा पास बैठ सकते हैं, आपका गैस की भी बचत होगी, और चूल्हा पास बैठिएगा सब कोई के साथ भी मिलता है। ऐसे तो खाना बनाने में साथ कभी नहीं मिलता है, पर ठंडी के दिन में तो ज़रूर मिलते हैं। देखिए हमारे बातों बातों में गाजर भुंजा चुकी है करीब, ये धीमी आंच पर भुंजिएगा। अब मैं इसमें 1 केजी गाजर में 100 ग्राम चीनी डाल रही हूँ क्योंकि गाजर भी मीठा होते हैं और दूध भी, इससे डालकर इसे भी चला रही हूँ। अरे हमारा ड्राई फ्रूट है, मैं आज ज़्यादा कुछ नहीं डाल रही, सिर्फ गरी डाल रही हूँ। आप इसमें जो ड्राई फ्रूट पसंद है आप डाल सकते हैं। इसे भी भून दे रही हूँ कुछ देर, और जो भी अच्छे से भुंजा जाना चाहिए गाजर, क्योंकि इसमें कि कच्चापन निकल जाए। ऐसा तो गाजर इसी तरीके से आदमी खा सकता है, पर थोड़ा अच्छा भुंजाता है तो टेस्टी लगते हैं। और ठंडी के मौसम में गाजर बहुत सस्ते मिलते हैं और खाने में भी बहुत मस्त लगते हैं। अगर 1 चम्मच मिल जाए खाने के लिए तो बात बहुत अच्छे दे। देखिए फुल क्रीम दूध है हमारा, मैं दूध ली हूँ 1/2 केजी, मैं गाय का घी दूध है। देखिए इसे इस तरीके से चला सकते हैं, ऐसे धीमी आंच पर भूनते रहिए। हमारे गाजर पक चुके हैं, मैं इसमें डाल लेती हूँ क्योंकि डाल कर थोड़ा बहुत इसे मलाई है उसे भी निकाल लेती हूँ। इस तरीके से इसे भूंज रही हूँ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट बताइए आपको कैसा लगा। देखिए हमारा हलवा तैयार हो चुका है। आप चाहे इसे तो और इसमें जो है दूध आप सुखा सकते हैं, पर मैं इसी तरीके से बना रही हूँ। कभी कभी मैं दूध सुखा देती हूँ अच्छे से, और कभी कभी इस तरीके से गीला हलवा कितना का पसंद है तो इसलिए मैं बना रही हूँ। इसी तरीके से मैं हलवा निकाल लेती हूँ। हलवा निकालने के बाद इसी कढ़ाई में हमको सब्जी भी बनानी है। देखिए हमारा हलवा सब निकल चुका है, और उसमें आप 1 इलायची डाल दीजिएगा। मैं भूल गई थी बताने के लिए, इलायची से खुशबू बहुत अच्छे आते हैं। और मैं निकाल रही हूँ खाने के लिए बच्चों के लिए, बच्चे लोग तैयार है खाने के लिए। दम गर्मा गर्म हलवा खाइए, बहुत टेस्टी लगते हैं। आपको बताइए ये ठंडी के हलवा कैसा लगा।
एक लाइक तो